हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेजेस को क्या है, इस बार अनुमति मिल गया है बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। ठीक है, तो वहाँ पास 150 सीटें इंक्रीमेंट हुआ है और हम जैसे कि प्रेडिक्ट कर रहे थे कि क्या चंदूलाल चंद्राकर का जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएगा कि नहीं जाएगा। बट फाइनली आप लोग का 12/11 को 2022 को नोटिस आया है कि चंदूलाल चंद्राकर से जो होता है आप लोग का ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है वो चला गया है। ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें वो चला गया है। तो लगभग आप लोग का जो सीटें होती है वो लगभग आप लोग का है भाई 22 सीटें। कितना सीटें आप लोग का 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। क्लियर है, तो लगभग चली गई है भाई सीटें। तो देखते हैं, जिसमें से अरिजारों को 10 सीट है, EWS को 2 सीटें हैं, OBC को 6 हैं, SC को 3 हैं और ST को कितना सीटें हैं, 1 सीटें हैं। क्लियर है, 10+2 12 6 18 3 21 और 1 22। तो 22 सीटें जो है आप लोग का ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। ठीक है, सेंट्रल नॉमिनीज में लगभग आप लोग का जो है 4 सीटें जा सकती है। कितना सीटें जा सकती है, 4 सीटें भाई। क्लियर है, अब 4 सीटें क्यों बोल रहा हूँ मैं, 4 सीटें क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ 4 सीटें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या हो गया, कंप्रेस क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आप लोग का सेंट्रल नॉमिनेशन में जो होता है, ठीक है ना, अगर 180 सीटें होता है तो लगभग 5 सीटें जाती है, अगर 125 होता है तो 100 होता है तो 3 सीटें जाती है। ठीक है ना, अगर आपको 150 तो लगभग इसी के पे 4 सीटें आप लोग के आलेंडा कोटा में जाएगी। कितना सीटें जाएगी आप लोग का आलेंडा कोटा में, सीटें जाएगी। ठीक है ना, आलेंडा कोटा में सीटें जाएगी। तो स्टेट कोटा में कितना सीटें बसती है भाई, आप लोग के स्टेट कोटा में कितना सीटें बसती है, 22, तो 124 सीटें आप लोग का बसती है, 22 + 4 = 26, तो 150 में 124 सीटें कहाँ बसती है आप लोग का, स्टेट कोटा में सीटें बसती है भाई। ठीक है ना, कितना सीटें बचती है आप लोग का, स्टेट कोटा में सीटें बचती है, कितना 124 सीटें। ठीक है ना, चंदूलाल चंद्राकर में अभी EWS की सीटें आना भी बाकी है, क्योंकि जो कोरबा था और महासमुंद था वहाँ पास EWS की सीटें आ गई है, अभी दुर्ग में EWS की सीटें के आने की संभावना जो है आप लोग का बचा हुआ है। ठीक है ना, कितना सीटें बचा हुआ है आप लोग का, 124 सीटें बचा हुआ है। तो मैं आप लोग को सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ भाई कि कितना कैसे हो सकता है सीट मैट्रिक्स आप लोगों का। ठीक है, चलिए सीट मैट्रिक्स बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स बताता हूँ कि सीट मैट्रिक्स से क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू 200 पॉइंट रोस्टर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है ना, कितना रोस्टर, 200 रोस्टर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ चंदूलाल चंद्राकर सीट मैट्रिक्स, चंदूलाल चंद्राकर सीट मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो 150 जो सीटें होता है टोटल, जिसमें से आप लोग का गया है 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा में चला गया है, अगर इसमें से आप लोग का 4 सीटें जाता है, कहाँ चला जाता है आप लोग का, सेंट्रल नॉमिनीस में तो चला जाता है, तो टोटल आपके पास जो सीटें होता है 124 जो बचता है आप लोग का स्टेट कोटा में सीट बचता है, कितना 124 सीट बचता है। अगर आप लोग का ऑल इंडिया कोटा में जो है 5 सीट जाता है, सेंट्रल नॉमिनीस में 5 सीट जाता है, तो है आप लोग का ऑल इंडिया कोटा में कितना सीट बचेगी आप लोग का, 123 स्टेट कोटा में सीटें बचेगी भाई, कितना सीटें स्टेट कोटा में बचेगी। अगर आपका 124 सीटें हैं उसका सीट मैट्रिक्स क्या होगा, अगर 123 सीटें हैं तो उसका सीट मैट्रिक्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात ST की बात करते हैं, फिर SC की, फिर OBC की, फिर अरिजर्व की। EWS की बातें नहीं करेंगे, क्यों, अभी चंदूलाल चंद्राकर में EWS की सीटें नहीं आई है। ठीक है ना, EWS सीटें नहीं आई है। तो देखिए भाई, अगर 123 सीटें के अकॉर्डिंग चलें, किस सीटें के अकॉर्डिंग चलें हम लोग बताएं, 123 और एक बार 124 सीटें के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है ना, हाँ देखो, अगर आपके पास 123 सीटें होता है, कितना सीटें होता है 123, तो ST को भी मिलेगा 24, SC को मिलेगा
19। अब बाकी जो सीटें हैं आप लोग का 27 किसको मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग 124 सीटें होता है तो भी आप लोग का 24 मिलेगा, 90 मिलेगा और मिलेगा एससी को है यहाँ पास 20 ST 25 है, एससी जो है आप लोग का 25 शो कर रहा है, अच्छा 90 है ना, तो वो भी 124 पे है आप लोग का 20, ठीक है ना। 124 पे क्या है, 20 है एसटी का, ठीक है। अरे आप लोग का ओबीसी का 27 नहीं है, ओबीसी का है भाई आप लोग का 17 सीट है, ठीक है ना। और 124 होने पे भी क्या होगा, आप लोग का 17 सीटें ही होगा, ठीक है ना। एससी को 20 सीटें हैं, तो अरिजर्व के देखते हैं अभी कितना सीटें हो जाती है, अरिजर्व के कितना सीटें हो जाती है। तो 123 माइनस 24 माइनस 90 माइनस 17, तो लगभग 63 सीटें अरिजर्व के लिए होगा। अगर आप लोग का इसके अकॉर्डिंग होता है 124 सीटें, तो लगभग 62 सीटें होगा भाई। कितना सीटें होगा आपका, 260 होगा, 124 सीटें है ना, तो ये 20 होगा, 24 माइनस 20 माइनस 124, तो 63 ही सीटें होगा रिजर्व के लिए, क्लियर है। हाँ, तो ये था भाई आप लोग का चंदूलाल चंद्राकर का सीट मैट्रिक्स था। वहाँ पर अभी सेंट्रल नॉमिनीस में कंफर्म नहीं है कितना सीटें गए हैं, अगर हम उसको 4 सीटें मानते हैं, ठीक है, अगर सेंट्रल नॉमिनी कितना मानते हैं 4, तो आपका बचता भी 123 सीटें। अगर हम 5 मानते हैं तो होता आप लोग का 123 सीटें होता है। अभी ईडब्ल्यू सीटें आना बाकी है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। तो एक आप लोग एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।